आई एम श्योर कि आपने ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। ये अपनी नौयत का एक अलग इंटरव्यू था जिसमें सवालात नहीं थे बल्कि एक गुफ्तगू थी, और उसमें हमने लिबर्टी भी ली क्योंकि इनसे दोस्ती भी है, एक मोहब्बत बेशक भी है, इनको टोका भी, इनको थोड़ा सा जैसे कुरेदा भी, क्योंकि मैक्सिमम निकालना ज़रूरी था। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नौजवानों को, यंगस्टर्स को, जिसमें हमारे फौजी यंगस्टर्स भी हैं, हमारे फोर्सेस के हैं, सबको बताएं कि शुरू कहाँ से करें। बस अपने आप पाकिस्तान तो से, बदल जाएगा। अपने आप से, अपने आप को बदल लें, बाकी हर चीज वाह, बदल आपने जाएगी। तो सारा क्योंकि है ही है के ना, सही खत्म कर ये दिया। वेट ना करें, वो ऐसा है तो मैं ऐसा हूं, जब वाह वो वाह, करेगा, आप क्या कर रहे हैं वो कर लें। और अगर कुछ नहीं कर सकते, अपने जहन को सबसे पहले बदल लें। मैं वाह ये नहीं कहता बंदूक उठाएं, हो सकता है कईयों का ये काम ना हो, यानी फौजी अगर है वो लड़ते हैं, मेरा नहीं है। कोई आर्ट उठाता है, कोई कलम उठाता है, कोई जुबान उठाता है, कोई हाथ उठाता है, कोई आवाज उठाता है, सब चीजें कर लेते हैं, एक चीज नहीं करते, अपनी सोच के दर्जे को नहीं उठाते। उफ ऊपर ले जाए, उफ, ऊपर ले जाए, जात से बढ़कर। खुद ही की बात इन्होंने की थी, मैं फर्म बिलीवर हूं खुद ही का, ईगो का। ईगो इज सेल्फ, वो फॉल्स ईगो है जो नेगेटिव होती है। ये वाह खुद ही है, ये वाह अल्लाह ने हमें दी है, ये आपके अंदर जो हुरमत, वाह, हुरियत और हरारत है वो खुद ही से आती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खुद ही को पाएं इसलिए कि आप उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाएं। इकबाल ने आपको खुद ही तक इसलिए ले गए थे कि जो इंसान खुद ही तक पहुंचता है तो वो उसको अगला स्टेप खुद नजर आता है, और वो है बेखुदी का, सेल्फलेसनेस। अपने आप को सेल्फलेसनेस होने पे ले जाएं तो फिर आपको अपनी जात से बढ़कर और बालतर बाकी चीजें भी नजर आएंगी, अपने गिरद नवा में, अपने लोगों में, अपने काम में, अपने माशरे में। और आप खुद आई थिंक वो मैसेंजर बन जाएंगे बेहतरी का, और आई थिंक अल्लाह ताला फिर आपको वो ऑरा देता है, अल्लाह ताला फिर आपकी आपकी इज्जत का जो उसने वादा किया हुआ है वो निखारता है, आपको वाह वो इज्जत देता है, उसने वादा किया इसी दिन के लिए किया था। ही विल गिव यू द करेज, द कैरिज्मा, द पर्सुएशन, एंड ही विल रिवॉर्ड यू, एंड आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड टू बी इन वर्ल्डली सेंस, वाह, बट देयर मेटाफिजिकल रिवॉर्ड एज वेल। रात की नींद अच्छी नसीब होना, इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं। क्या बात है। पर यही मैसेज है, बी ट्रू टू योरसेल्फ सुभान अल्लाह एंड यू विल सुभान फाइंड योर अल्लाह गॉड, सुभान ऑटोमेटिकली यू अल्लाह। विल रीच। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने बेहतरीन बात बोल दी है, लेकिन एंड में जो आपने बोल दिया कि वर्ल्डली रिवॉर्ड जो है, ये जो रिवॉर्ड हमेशा हम समझते हैं कि दौलत, ताकत और चीज़ों से ही रिवॉर्ड मिलता है, इस पे मुझे एक बात अपने उस्ताद मोहतरम की याद आ गई। बाबर भाई जो कुछ दिन पहले उन्होंने ये मिसाल दी थी, एक बड़ी फेवरेट आयत है मेरी भी, आपकी भी होगी, सूरह इब्राहिम की 7 नंबर आयत है, और मैं अक्सर पढ़ा करता था कि वाई तना रब, जब तुम्हारे रब ने ये अनाउंसमेंट कर दी, अजान दे दी, ऐलान कर दिया, ल इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र गुजार हो जाओगे, ला अज़ीदन्नकुम, तुम्हें और बढ़ा और दूंगा। बढ़ा दूंगा। मैं ये समझता रहा कि शायद मेरे थैंक यू कहने से मेरे चेक का साइज और बढ़ जाएगा, या शायद नेमतें बढ़ जाएंगी। उस दिन या उन्होंने मशहूरी ये बढ़ जाएगी। मशहूरी बढ़ जाएगी, उन्होंने ये उस दिन वाजे किया कि भाई सिर्फ जरूरी नहीं है कि बाहर वाली नेमतें ही बढ़े, हो सकता है तुम्हारा अंदर का साइज जो है वाह कैलिबर बढ़ा दे। क्या बात, जिस सोच की आपने बात की थी कि सोच भी तो बढ़ाओ, हो बिल्कुल, सकता है मेरी मेरा सब्र बढ़ा दे, हो बेशक सकता है मेरी कनात बढ़ा दे, बेशक, हो सकता है मेरी थैंकफुलनेस, मेरा सजदा बेहतर कर दे, मेरा तकवा बढ़ा दे, मुझे और ज्यादा कॉन्शियस कर दे। इतनी सारी उसकी नेमतें हैं जो नजर नहीं आती हैं, नहीं आते। जो थोड़ी 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 जिंदगी में कैलिबर की सूरत में आयां होती हैं, जिससे घर बदलते हैं, मौशरे बदलते हैं।